लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज लाइव। कन्हैया जी, आज नागपुर आए, आप रैली निकाल रहे हैं और नारा भी बड़ा जोरदार है, युवा है जोश में, लाएंगे इनको होश में, किन्हें होश में लाना है? देखिए, सबसे पहले तो आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और भारत में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक क्रांति के जनक राजीव जी की जयंती है। इस मौके पे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अलग अलग तरह का कार्यक्रम कर रही है। नागपुर का कार्यक्रम बहुत यूनिक है क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पे रैली रखी है उसका नाम है टेक्नो रैली, और होश में लाना है उन लोगों को जो इस देश को बेच रहे हैं, और होश में लाएंगे वो लोग जो इस देश को बचाना चाहते हैं। और जो हमारे देश की आज सबसे बड़ी चुनौती है, महंगाई, बेकारी, और देश के भीतर जिस तरह से सरकारी संस्थानों को लूटा जा रहा है और जो सरकारी दोस्त हैं, तो सरकारी संस्थानों की लूट और सरकारी दोस्तों को जो छूट है, उस सोच के खिलाफ जो है इस देश को बेहतर करने के लिए, सुंदर करने के लिए रैली रखी गई है। आप सब लोग भी इस रैली में आएँ और आपके माध्यम से जो दीक्षा भूमि है नागपुर, उसकी सभी लोगों को, सभी माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को अपील है कि इसमें शामिल हों, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। आपको लगता है वो इस तरह से सीबीआई का उपयोग किया जा रहा है सिसोदिया? तो ये तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। हम ये कह रहे हैं कि एजेंसियां हैं इस देश की रक्षा के लिए, लेकिन अभी जो सरकार है वो अपनी कुर्सी की सुरक्षा के लिए इसका दुरुपयोग कर रही है। लेकिन ये वक्त की बात है, कहते हैं कि सांच को आँच नहीं होता है, जो सही है उसको गलत साबित नहीं किया जा सकता है। इस देश में विपक्ष का गला घोंटने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग होता है। मुझे तो डर है कि कहीं गडकरी जी के खिलाफ भी ना सीबीआई आ जाए कुछ दिन में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।